आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। एक युवक की हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने हत्या के कारणों का जो खुलासा किया है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। मृतक युवक की दोस्त की बीवी पर गलत निगाह थी और समझाइश के बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपियों ने प्लानिंग कर युवक की हत्या कर दी। रीवा जिले के अतरैला थाना क्षेत्र के चौखंडी गांव में विकास उर्फ बिक्कू सिंह पटेल पिता रामराज सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी गोड़िया चौखंडी की 6 सितंबर की रात हत्या कर आरोपियों ने शव को नदी में फेंक दिया था। दूसरे दिन शव मिलने पर बवाल मचा है। इस मामले में नामजद 3 आरोपी थे, लगातार पुलिस जिनकी तलाश कर रही थी। गुरुवार की रात एक आरोपी आशीष और ऋतिक मिश्रा पिता राज बहादुर निवासी खोवा थाना अतरैला अपने गाँव आया हुआ था। मुखबिर की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी कन्हैया बघेल ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर दी और आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस की पूछताछ के दौरान हत्या का खुलासा किया है। इस घटना में शामिल सावन पासी और तिवारी पासी फरार हैं, पुलिस जिनकी तलाश कर रही है। पुलिस ने जब घटना के संबंध में पकड़े गए आरोपी ऋतिक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वारदात में शामिल सावन पासी की बीवी पर मृतक बुरी नजर रखता था, अक्सर उससे छेड़छाड़ करता था। इस बात की जानकारी मिलने पर आरोपी ने युवक को पहले समझाइश दी थी लेकिन वह नहीं माना, जिस पर उन्होंने उसकी हत्या की योजना बना डाली। योजना के मुताबिक उन्होंने युवक को शराब पीने के लिए बुलाया, उसको ज्यादा मात्रा में शराब पिला दी और जब वह नशे में चूर हो गया तो आरोपियों ने मारपीट कर पत्थर पटक कर हत्या कर दी और वारदात को छुपाने शव को नदी में फेंक दिया था। थाना प्रभारी कन्हैया बघेल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दोनों फरार आरोपियों को लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।